नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश, गैजेट्स इन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं टेक अपडेट नंबर 43 और मैं आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आया हूं। कुछ यहां पे फेसबुक की तरफ से, कुछ माइक्रो रोबोट्स को लेके है, कुछ 5G को लेके है और कुछ यहाँ पे सैमसंग को लेके है। दोस्तों तो आप आगे देखते रहो मेरे साथ में इस वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सबसे पहला अपडेट यहाँ पे फेसबुक की तरफ से है, और फेसबुक का जो ऑक्यूलस ब्रांड है जिसको फेसबुक ने काफ़ी टाइम पहले एक्वायर किया था दोस्तों, उसने एक अपना नया वीआर हेडसेट गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस में लॉन्च कर दिया है, जो कि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन के साथ में आता है और इसका प्राइस है $399 दोस्तों, लगभग 28-29 हज़ार रुपये के आसपास, और इसका नाम है ऑक्यूलस रिफ्ट एस वीआर हेडसेट। तो वर्चुअल रियलिटी में जो ऑक्यूलस है वो काफ़ी आगे है, और यहाँ पे जो पार्टनरशिप इन्होंने करी है वो लेनोवो के साथ में मिलके इन्होंने ये बनाया है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे ऑक्यूलस भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे फेसबुक ने ऑक्यूलस को एक्वायर किया था दोस्तों। अगला अपडेट यहाँ पे IBM की तरफ से है, और IBM ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा है, और अभी IBM ने ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क तैयार कर दिया जो कि स्टेलर प्रोटोकॉल का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो स्टेलर प्रोटोकॉल है वो पेमेंट सेटलमेंट के लिए यूज़ में ली जाती है, और अभी इस प्रोटोकॉल का जो यूज़ करेंगे वो ग्लोबल पेमेंट सेटलमेंट में यूज़ करेंगे। तो अभी 70-75 कंट्रीज़ में इसको ये यूज़ करने वाले हैं, साथ में इनके साथ में जो बैंक जुड़ेंगे वो 40-45 होने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियल टाइम यूज में काम आ रही है दोस्तों। अगला अपडेट यहाँ पे सैमसंग की तरफ से है, और सैमसंग गैलेक्सी S10 का जो 5G वर्जन है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे जो लॉन्च डेट सेट की गई है वो की गई है 5 अप्रैल, और US में ये सबसे पहले लॉन्च होगा। वेरिजोन नेटवर्क के साथ में ये सबसे पहले लॉन्च करने वाले हैं, तो देखते हैं कि इंडियन मार्केट में ये फ़ोन कब लॉन्च होता है। और अभी तो कोई सर्विस प्रोवाइडर ऐसा नहीं है जो कि 5G सर्विस को इंडिया में प्रोवाइड कर रहा हो। अगला अपडेट यहाँ पे BSNL की तरफ से है, और BSNL ऑलरेडी 4G नेटवर्क को टेस्ट करने लग गया है। यहाँ पे कुछ सर्कल में इसकी टेस्टिंग चल रही है, जैसे कि गुजरात हो गया, केरला हो गया, वहाँ पे इसकी 4G नेटवर्क की टेस्टिंग चल रही है, और टेस्टिंग के दौरान जो स्पीड हमको मिल रही है वो लगभग 20 Mbps तक की मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है, अगर 20 Mbps भी सारे कस्टमर्स को यहाँ पर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो देखते हैं कि और रीजन में कब ये लॉन्च करता है और किस प्राइस में डेटा पैक्स यहाँ पर लॉन्च होते हैं दोस्तों, तो उसकी डिटेल्स भी बहुत ही जल्दी सामने आ जाएंगी। तो मतलब यहाँ पर जियो के साथ में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होने वाला है। अगला अपडेट यहाँ पे इंडिया को लेके है, यानी कि हमारी कंट्री को लेके, और इंडिया दुनिया भर में से फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक कंट्री है, जहाँ पे ग्रोथ बताया रही 9% की 2019 में, और 2020 में ग्रोथ होने वाली है 7% की। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में ही टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बड़ी है दोस्तों, और यहाँ पर टेक स्पेंडिंग में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आने वाले टाइम में जितने भी लोग हैं जो अभी तक टेक से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएंगे, तो ऐसे में ये ग्रोथ का जो नंबर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है आने वाले टाइम में दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट और फाइनल अपडेट की। फाइनल अपडेट यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, माइक्रो रोबोट्स को लेके दोस्तों, बहुत ही छोटे साइज़ के रोबोट्स को लेके ये है, और यहाँ पे चाइना में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक माइक्रो साइज़ का रोबोट बनाया है जो कि यहाँ पे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बनाया है दोस्तों। मतलब टारगेटेड अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए इस रोबोट को बनाया गया है। कुछ नहीं करते हैं, सिंपली ब्लड सेल्स में इस रोबोट को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। अगर हम बाल का साइज़ देखते हैं ना तो उससे 40 टाइम्स इसका साइज़ छोटा है, तो इसीलिए इसको माइक्रो रोबोट बोलते हैं। मतलब आँख से तो हम देख नहीं सकते हैं इसको, लेकिन अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की तो उसकी मदद से ही इसको देख पाएंगे। और ये रोबोट क्या करता है, हमारी ब्लड सेल्स में जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया पे जाता है जहाँ पे डिजीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है, और उसको वहाँ पे ठीक करके, और या फिर वहीं पे रहेगा, बार बार ठीक करेगा, या फिर बाहर निकाल देंगे दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर टारगेटेड सर्जरी के लिए या फिर कोई टिश्यू डैमेज है तो आने वाले फ्यूचर में इसी तरीके से रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। और अभी चाइना में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख दिया है। और बात करते हैं अगर इसके साइज़ की, तो 2 माइक्रोमीटर डायमीटर का साइज़ इसका है दोस्तों, तो बहुत ही छोटा साइज़ हम बोल सकते हैं। आप बाल का साइज़ देख सकते हैं, तो उससे 40 टाइम्स छोटा इसका साइज़ है, इसीलिए इसको माइक्रो रोबोट्स बोलते हैं, और चाइना में ये टेस्ट इसका सक्सेसफुल हुआ है। तो काफ़ी अच्छा अपडेट था ये, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। आप जरूर नीचे बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये अपडेट दोस्तों। तो बस यहाँ पे आज की सारी इंपॉर्टेंट टेक अपडेट्स मैंने कवर कर दी हैं इस वीडियो में। आप जरूर नीचे कमेंट बताने कि आज की कौन सी अपडेट आपको सबसे बढ़िया लगी दोस्तों, और कैसी लग रही है टेक अपडेट सीरीज़, सारी चीज़ें नीचे कॉमेंट में लिखना। आपका मिलने कोई सजेशन ओपिनियन तो भी आप नीचे लिख सकते हो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।